हेलो एंड वेलकम टू किचन स्टोरीज। तो आज हम किचन स्टोरीज में बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव। तो आइए देखते हैं वड़ा पाव बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं बॉईल करे हुए और इनको ऐसे अच्छे से मैश कर लिया है। फिर यहाँ पे मेरे पास है धनिया, नमक, अजवाइन, लाल मिर्ची, गार्लिक कूटा हुआ, हरी मिर्च, बेसन, पानी, प्याज, अदरक और ये वड़ा पाव के अंदर का वो फिलिंग के लिए मसाला है एंड इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और ये पाव। ये नॉर्मल पाव जो हमें मार्केट में मिलता है ये वही है। तो अब हमें क्या करना है, पहले ये आलू है को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। तो अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, फिर गार्लिक डाल देंगे और अच्छे से इसको एक बार मिला लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दीजिए, कूट के भी डाल सकते हैं या ऐसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़ा अदरक डाल दीजिए। अब अदरक के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी और एक और बार इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब चाहे तो इसको हाथ से भी मिला सकते हैं। तो वड़ा पाव बनाने के लिए पहले हमें बोंडे बनाने पड़ते हैं। तो यही है कि मैं बोंडे का ये मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। अब इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो अब इस बोल में मैं क्या करूंगी, बेसन डाल दूंगी, एक कटोरी बेसन है ये। इसमें पहले मैं मसाले डाल देती हूँ, लाल मिर्च, अजवाइन, ये सब आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाना चाहें जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे। और ये नमक, बहुत बेसिक चीजों से बनता है ये जो आलू का बोंडा बनता है। तो उसको एक बार मिला लीजिए। और हमारी चटनियों में भी नमक होगा, हमने आलू में भी नमक डाला है, तो इसलिए हम नमक जब आप डालें तो आप ध्यान रखिएगा। और ये जो चटनियाँ हैं ये नॉर्मल ग्रीन चटनी और इमली की चटनी है जो हम घर में यूजुअली बनाते हैं। इसको अच्छे से एक बार मिला लीजिए। हमारा बैटर ध्यान रखिएगा, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा। एकदम पतला भी होगा तो हमारा ये आलू के बोंडों में अच्छे से लिपटेगा नहीं और फिर बनेगा नहीं। तो इतना गाढ़ा होना चाहिए हमारा ये जो बेसन का बैटर है। इसमें थोड़ा और हल्का सा और पानी डालूंगी मैं, तो आधा कप जितना पानी लगता है इसको बनाने के लिए एक कटोरी बेसन में। तो अच्छे से इसको मिला लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर कितना अच्छा और स्मूथ बन गया है, ऐसे ही होना चाहिए ये। इतना ही गाढ़ा होना चाहिए आपका बैटर, एकदम रनी नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं बनेगा आपके बोंडे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आलू जो मैंने पहले बनाए थे इसको मैं एक और बार मिक्स कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना गैस ऑन कर देती हूँ ताकि जब तक ये मेरे बोंडे रेडी हों। मैंने अपना यहाँ गैस तेल चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर दिया है। मैं आलू के छोटे छोटे ऐसे बोंडे बना लूंगी। मेरा पाव छोटा है इसलिए मैं छोटे छोटे बोंडे बना रही हूँ, आप अपने पाव के साइज के हिसाब से बना सकें। और ऐसे राउंड राउंड बनाने हैं आपको छोटे छोटे। और अब इसे क्या करना है कि इस बेसन में इसे डाल देना है। अभी मेरा तेल गरम नहीं हुआ है तो मैं इसको इसी में रहने देती हूँ और मैं बाकी के बोंडे बना लेती हूँ। तो पहले ये मैं क्या कर रही हूँ, हम वड़ा पाव के साथ जो मिर्ची खाते हैं पहले मैं तेल में एक बार ये मिर्ची फ्राई करके निकाल लूंगी।
उसके बाद मैं अपने इसमें वड़े फ्राई करूँगी। तो अभी देख सकते हैं कि मिर्ची जब आप फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा ये छिटकेगा, क्योंकि मिर्ची में भी होता है। तो स्लो कर दीजिए गैस। हल्के आंच पे इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। जब आप मिर्ची को डालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि छटकता बहुत है, और ये हो गया ऑलमोस्ट फ्राई, क्योंकि वड़ा पाव के साथ जो हमें फ्राइड मिर्ची मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मिर्ची निकाल के रख ली है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा वड़े हैं इनको पहले ऐसे बेसन में लपेटना है अच्छे से, और फिर इनको आराम से तेल में डालना है। तो जब आप तेल में डालें तो ध्यान रखिएगा गैस स्लो पे ही होना चाहिए, वरना फिर आपका छटकेगा। इनको आराम से तेल में डाल दीजिए। एक साथ आप जितना फ्राई कर सके उतना डालिए, तो मैं 3-4 वड़े ही डालूंगी एक टाइम पे। एक और डाल देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनको फ्राई कैसे करते हैं। ये मैंने डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पे ऐसे धीरे धीरे से उसे तेल छटकना है। इनको पलटते ना जब तक एक साइड से हो ना, बस तेल छटकते ना, और स्लो आंच पे बना रही हूँ मैं। तो ऐसे तेल छटके, तो अभी मैंने अपने बोंडे एक तरफ से हो गए हैं, तो अब मैं इनको दूसरी तरफ से पलट रही हूँ। जब तक ये होते हैं तब तक मैं क्या करूँगी, दूसरा पैन लिया है मैंने, इसमें मैं अपना पाव हल्का सा सेक लूँगी। आप ऐसे चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सिखा हुआ अच्छा लगता है। तो ऐसे थोड़ा बटर डाल के दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लूँगी मैं। सिखा हुआ पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, थोड़ा सेक लीजिए। तब तक अपने बोंडे भी चेक कर लीजिए कितने अच्छे से ये हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए तब तक आपको इनको फ्राई करना है, और ये पाव को भी। तो मैं पाव भी स्लो पे ही सेक रही हूँ ताकि अच्छे क्रिस्प हो जाए। अब देखते हैं हमारे बोंडों का क्या हाल है। हाँ, एक तरफ से आप देख सकते हैं कितने क्रिस्प हो गए हैं, ऐसे ही इनको दूसरी तरफ से भी कर लें। और इन पे ऐसे धीरे धीरे आपको तेल छटकते रहना है ताकि अंदर से पके हैं। तो अगर आप फुल पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए आपको इनको स्लो पे एकदम धीमी आँच पे धीरे धीरे पकाना है ताकि अच्छे से अंदर तक पकें। हमने इसमें आलू और प्याज डाला था, दोनों का ही पानी होता है, तो इसलिए मेरे पाव अभी एक तरफ से हो गए हैं, अभी दूसरी तरफ से हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है ये वड़ा पाव बनाने में, क्योंकि हम इसको धीमी आंच पे बनाते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, बट फिर कच्चे रहने का इसका डर रहता है। अब आप मेरे वड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं, आई थिंक एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर तो आ गया है इनमें, और मेरे पाव भी हो ही गए हैं आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले अपने वड़ों को निकाल लेती हूँ ताकि ये जले ना। तो पहले इनको निकाल लीजिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इन पे। और इस प्लेट में मैं अपना ये पाव निकाल लेती हूँ। अब हम इन पे क्या करेंगे, पहले एक तरफ हम ये हरी चटनी लगा देंगे,
आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं ये चटनियों के साथ बहुत स्वाद लगता है इसलिए एक तरफ ये हरी चटनी लगा दीजिए, एक तरफ ये इमली की चटनी लगा दीजिए, ऐसे अच्छे से लगा दीजिए और फिर इसमें एक वड़ा रख दीजिए। फिर ये जो मेरे पास ये जो मसाला है ना, ये गार्लिक और मिर्ची का मसाला है, ये मैंने मार्केट से बाहर से खरीदा था, इसको वड़ा पाव मसाला भी बोलते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हैं। थोड़ा सा इस पे ये मसाला डाल दीजिए और फिर मेरा फेवरेट धनिया आ जाएगा, इस पे धनिया भी डाल दीजिए। ये जो मिर्ची मैंने फ्राई की थी वो मैं साइड पे ही रखूंगी, अगर आप चाहें तो एक मिर्ची चलो मैं अंदर भी डाल देती हूँ। ये बन गया मेरा वड़ा पाव, ये मेरा वड़ा और ये रही मेरी मिर्ची। तो आइए इसे अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारा यमी वड़ा पाव रेडी है, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है और कितने अच्छे से हमारे सारे वड़े पके हैं। तो आई होप आपने रेसिपी एंजॉय की हो एंड आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये शेयर करेंगे। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए किचन स्टोरीज को। थैंक यू।